संपूर्ण भारतवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर आज सुबह टाइम टीम आप सभी को स्वास्थ्य जीवन की कामनाओं के साथ बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सभी देशवासियों को दीपावली की आज सुबह टाइम टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं आप सभी को पहुंचे। वहीं पर संपूर्ण भारतवर्ष में धनतेरस के पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह पर्व बहुत ही शानदार रहा। वहीं पर कुछ न कुछ लोगों ने अपने घर परिवार के लिए धनतेरस के शुभ अवसर पर खरीदारी किए हैं। चाहे आप जो है बर्तन या मोबाइल या खरीदारी में सोना चांदी और अनेक ऐसे धनतेरस के शुभ अवसर पर गाड़ी मोटर भी खरीदे गए हैं। बहुत अधिक बम्पर खरीदारी के साथ चला है और लोगों के घर परिवार में धनतेरस की महत्व को समझते हुए धनतेरस की शुभकामनाएं के साथ साथ लोगों ने बहुत सारे अपने यहाँ जो है नए नए बर्तन और अनेक ऐसे चीज़ें खरीदे गए हैं। वैसे संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली की तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी है। सभी के घरों में सफ़ेदी रंग पुताई अनेक ऐसे हो चुके हैं और अब लड़ी और लाइटें सजावट के लिए चल रही है। अब दीपावली के शुभ अवसर पर चमक दमक के साथ आप घर परिवार अनेक ऐसे लोग हैं जो तीर्थ स्थलों का भी अब लोग दौरा भी कर रहे हैं। यह साफ़ सफाई, घर में रंगाई पुताई, चमक दमक और घर परिवार में खरीदारी की अवसर चल रही है। यह लाइट लगाए जा रहे हैं, फैंसी से फैंसी लाइट लगाए जा रहे हैं। शहर, गांव, कस्बे में छोटा व्यक्ति, गरीब, अनेक ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर के अनुसार, अपने जेब के अनुसार लोग खर्च भी कर रहे हैं। लाइट का साथ सजावट और चाक चौंध चमक के साथ साथ सनातन धर्म के लोगों को या दीपावली की बहुत बड़ी जो है आप सौगात दे सकते हैं। धनतेरस और नवरात्र और अनेक ऐसे हमारे देश में सनातन धर्म की परंपराओं के साथ अनमोल रीति रिवाज आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा पर्व होता है दीपावली। इस दीपावली के शुभ अवसर पर कितने लाइटें, झूमर और अनेक साज सजावट के साथ लोगों को प्रोडक्ट बाजार में खरीदारी खूब जमकर हो रही है। बाजार इस वक्त गर्म है और महंगे भी हैं, क्योंकि जब भी कोई सीजन या पर्व या जो है किसी तरह से आता है तो उस वक्त बाजारों में अधिक से अधिक भीड़ होती है और प्रोडक्ट भी महंगे हो जाते हैं। और इस वक्त लाइट के सामान अधिक महंगे हैं और वह लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि जो है पर्व है, त्यौहार है और इस लाइट पर्व में लोगों को खरीदना लाजमी हो जाता है। इस अवसर पर बाजार और चार चौंद लगा हुआ है और बड़े बड़े लोग जो है लाइट खरीदने के लिए, लोग झूमर और अनेक ऐसे साज सजावट करने के लिए, अपने घरों को और सुंदर बनाने के लिए लक्ष्मी माता से दुआएं कर रहे हैं और यह चमक दमक चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो प्रोडक्ट इस वक्त खरीदे जा रहे हैं और लोकल फार वोकल की हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और विशेष तौर से यह भी देखा गया कि अपने देश का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट लोग उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग अपने देश का बना हुआ लोकल फॉर वोकल का विशेष जो है ध्यान रखनी चाहिए और तभी हम आगे बढ़ेंगे जब हम अपने देश का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो और ख़रीदारी हम करते हैं। तभी अपने देश का बना हुआ सामान और अपने देश में ही आयात निर्यात होगा तो अधिक से अधिक हम सभी लोग मजबूत होंगे और हमारा देश ग्रोथ करेगा, राष्ट्र हमारा मजबूत होगा और हमारे देश के सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। दीपावली के शुभ अवसर पर देश का बना हुआ मिट्टी का दिया भी आप सभी को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शुभ माना जाता है और यह कुम्हार लोग अधिक से अधिक बनाते हैं। इनका काम ही सिर्फ यही है, एक साल में उपयोग किया जाता है और अधिक से अधिक लोगों को मिट्टी के दिया उपयोग करना चाहिए। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर आप दे सकते हैं कि अयोध्या नगरी में 25
लाख जो है दिए इस बारी जलाने का प्रस्ताव हुआ है और हम सभी लोग देख सकते हैं कि कुमार भाई कितने रोजी रोटी के चक्कर में आप सभी को या रोजगार मिला हुआ है और इस रोजगार को और आगे बढ़ाने के लिए घर घर दिए जलाना बहुत ज़रूरी है। उतना ज़रूरी झूमर या लाइट या कोई भी नहीं है, लेकिन जो हमारे देश में परंपरा रीत रिवाज अनमोल धरोहर है इसे बरकरार भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से खास अपील है कि अगर आपके नगर चौराहा या गांव कस्बा शहर में हर जगह दिए जो है मिल रहे हैं आप उसी को जलाइए और अपने पूर्वजों ने जो है शुभ माना है मिट्टी की दिए वह बहुत ही शुभ है, क्योंकि अपने देश की बहुत पुराना संस्कार भी है, रीति रिवाज भी है, अनमोल धरोहर है और अपने भारत से ही सब निकल कर सभी रीति रिवाज संस्कार सांस्कृतिक का रूपरेखाएँ आज विश्व स्तर में अपनी प्रकाश फैला रही है। तो आज ये हम सभी लोग पुराने संस्कार को बचाए रखें और अपने रीति रिवाज को और अनमोल बनाएं और सांस्कृतिक धरोहर को और जो है पर्व को और सजो सहज के साथ आगे बढ़ाएं, जीवन में अपने पर्व प्रकाश की ओर ले चलें और दीपावली में हम सभी लोग अधिक से अधिक खरीदारी करें, लेकिन हाँ लोकल फार वोकल की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देश में लोकल फार वोकल की बढ़ावा अधिक दें, क्योंकि अपना देश अपना राष्ट्र अपनी मजबूती के साथ हम सभी लोग होंगे, रोजी रोटी हम सभी को मिलेगा। वहीं पर देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी कुछ वर्ष पहले बोले थे कि लोकल फार वोकल की ओर हम सभी को विशेष ध्यान रखना चाहिए और यह खरीदारी अधिक से अधिक करनी चाहिए। तो देश को तरक्की चाहिए तो हम सबको मिलकर भारत को मजबूत राष्ट्र और विकसित राष्ट्र बनाना है और जो है विश्व गुरु बनाना है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर अपने देश को लोकल फार वोकल की ओर ले चलें और राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ नई सुबह नई शुरुआत नई दिशा नई सांस्कृतिक रीति रिवाज अनमोल धरोहर अनमोल ज्ञान की ओर भंडार बनाए रखें। तो यह है रात हो या दिन सभी लोग भारत को और विकसित बनाना है तो हम सभी नौयुवा साथी कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, विश्व गुरु बनाना है तो देश का बना हुआ ही सामग्री अधिक से अधिक उपयोग करें और लोकल फॉर वोकल की ओर आगे बढ़ें। तो बस हम यहीं तक, आप सभी लोगों को धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत आज सुबह टाइम टीम आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता है। आप हमेशा स्वस्थ रहें मस्त रहें, आप कहीं पर भी रहें हमेशा खिलखिलाते मुस्कुराते रहें, घर परिवार में सुख समृद्धि आए और हमेशा आप फले फूलें और आगे बढ़ें। बस हम यही तक, फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे साथ, तब तक अपना ख्याल परिवार जैसा ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।